बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। सो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आ चुका है ये, द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनी नेम इज व्हाट, एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017, ईयर एंडेड क्या है 31st December 2017। तो एग्जाम में 31st December 20 रहेगा तो 20 लेने का, 21 रहेगा तो 21 लेना, और क्या जो भी ईयर रहेगा वो लेने का है, क्या टेंशन है उसमें, राइट। तो 31st December 2017 वाज एज फॉलोज, सो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट इज गिवन। चलो रॉ मटेरियल परचेस किधर आएगा, रॉ मटेरियल, यस परफेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, क्या बात है बेटा, डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस, सब डायरेक्टली दिया। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस इज व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस वेरी गुड जयश्री। और ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को निकालना ही है वैसे भी, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट फाइनल आएगा अपना, बैलेंसिंग फिगर। चलो नेक्स्ट आ जाओ ट्रेडिंग के क्रेडिट में, देखो अब ये समझ लो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है और इसके नीचे पीएनएल है, तो ट्रेडिंग का डेबिट डन, क्रेडिट देखो, क्रेडिट में सेल्स, सेल्स लास्ट आइटम हो जाएगा, सेल्स में यूनिट्स भी दिया है 7500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल में से माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। चलो नाउ आ जाओ इधर, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, यस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस रेंट, ऑफिस ओवरहेड्स, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन जयश्री, परफेक्ट परफेक्ट। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आएगा क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, फाइनेंशियल आइटम है, राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो ये जो भी फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ होगा वो आएगा नहीं, वो कॉस्ट शीट में थोड़ी आने वाला है, कॉमन सी बात है यार, यस और नो, यस वेरी गुड मोमिता, वेरी गुड, इग्नोर गुडविल रिटर्न ऑफ भी, इग्नोर गुडविल भी आपका कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है, दैट विल ऑल्सो भी इग्नोर्ड। चलो नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो फाइनल अपने को कैलकुलेट करना ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है वो तो नॉर्मल। अब आ जाओ डिविडेंड रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, बेटा बच्चों डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल आइटम है, डिस्काउंट रिसीव फाइनेंशियल आइटम है, तो ये कॉस्ट शीट में कैसे आएगा यार, हाउ विल इट कम इन कॉस्ट शीट मैन, हाउ, नहीं आएगा, वेरी गुड, नहीं आएगा बेटा, इग्नोर करना है, वेल डन ममिता, वेल डन जयश्री, परफेक्ट परफेक्ट, सॉरी। चलो नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज गिवन, नाउ व्हाट इज गिवन, सी फॉर द ईयर 2018, अभी ये 17 का देखा ना, अभी 18 के लिए, फॉर द ईयर 2018 इट इज एस्टिमेटेड दैट व्हाट, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%, व्हाट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%, ओके वो बढ़ा देंगे हम लोग, price of raw material per unit will rise by 10%, जो raw material का price है वो भी 10% से बढ़ जाएगा, direct wages per unit will increase by 25%, उसको भी बढ़ाना है अपने को, मतलब ये जो भी items है वो 2018 के लिए, direct expenses per unit will remain the same, direct expense जो per unit है वो same रहेगा, factory expense per unit will increase by 25%, तो फैक्ट्री एक्सपेंस है पर यूनिट वो 25% से इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। द ऑफिस प्रीमाइसेस विच वाज ऑन रेंटल बेसिस, ऑफिस प्रीमाइसेस जो कि रेंटल बेसिस पे था, डेंटल नहीं रेंटल, रेंटल बेसिस पे था इन 2017 वुड बाय परचेज, द ऑफिस प्रीमाइसेस विच वाज ऑन रेंटल बेसिस इन 17 वुड पर, थोड़ा सेंटेंस में एरर है, purchased by the company on which depreciation would be 6000 in 2018, right? Now what is given? Office premises which was on rental basis. You can see here, in 2017 you have paid the rent because it was on rent only. That is why, right? So rent pe tha, isle rent diya aapne, theek hai? Wo office rent, that is office overheads ho gaya. Okay, okay, buddy. Now क्या बोल रहा है, नाउ कंपनी परचेज दिस,
अब कंपनी ने इसको परचेज कर लिया बेटा, परचेज कंपनी ने उसको क्या कर लिया बेटा, परचेज कर लिया। तो बेटा अगर कंपनी परचेज कर लेगी तो भाई रेंट तो नहीं पे करना पड़ेगा, वो तो बराबर है, बट डेप्रिसिएशन तो होगा ना, अपना असेट हो गया तो अपना सपना मनी मनी मतलब अपना असेट हो गया तो असेट पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही बच्चा, हाई की राई। यस, सो डेप्रिसिएशन, नाउ डेप्रिसिएशन 2018 में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब 2018 में आपको ऑफिस रेंट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चा, समझा? यस, परफेक्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम, सेलिंग एक्सपेंस अपना पर यूनिट विल रिमेन द सेम रहेगा, ठीक है? चलो, मतलब सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो जो पर यूनिट जो भी रहेगा, पर यूनिट जो भी एक्सपेंस आएगा वो सेम रहने वाला, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे पर यूनिट कितना आया समझ लो, एज ए नॉर्मल एग्जाम्पल 10 रुपीज पर यूनिट है, तो नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपीज पर यूनिट ही रहने वाला है, नो चेंज, ऐसा बोलता है ना, 10 रुपीज खाली एग्जाम्पल के लिए बोला, सिंपल एग्जाम्पल। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018, मतलब एस्टिमेटेड का भी बनाना है, कंसिडरिंग दैट द कंपनी विल चार्ज, कंसिडरिंग दैट वॉट कंपनी विल चार्ज अ प्रॉफिट एट 16 2/3% ऑन सेल्स। ओह माय गॉश, 16 2/3 कैसे निकालना है कैलकुलेशन करते टाइम पे देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। 16 2/3 मतलब 2/3 करेगा तो क्या होगा, 0.666666, 16 है, 16 प्लस 0.66 मतलब 16.66666, तो उसको आप ले सकते हो 16.67, सिंपल 16.67%, यू कैन चेक इट इजीली, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल सॉल्व इट, वी विल डू द वर्किंग ऑन दिस, सो नो नीड टू वरी, ओके गैरेज। सो दिस इज योर क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वही एस्टिमेटेड का जैसे बनाते हो वैसे ही फॉर्मेट करना है, पहले नॉर्मल ईयर 2017 एंड देन एस्टिमेटेड ईयर जैसा लास्ट में बनाया आपने। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम, ओके? चलो, सी, नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, सबसे पहले कंपनी का नाम एट द टॉप, नेम एट द टॉप, दैट इज एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 एंड 31st December 2018, 17 मतलब नॉर्मल ईयर अभी का, और 31st December है ना, December 18 आपका एस्टिमेटेड। सो इधर आपका फॉर्मेट में नंबर, ये नंबर का स्टेप, ये आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड, अब इसमें दो बाइफरकेशन कर दिया आपने, बराबर है, टू बाइफरकेशन, सी राइट, दो पार्ट में बाइफरकेट किया, ये 31st March 2017 के लिए, ये 31st March 2018 के लिए, बराबर है, 31st March 2018 को थोड़ा ज्यादा मिल गया क्या जगह, तो बराबर कर दो एकदम, आ जाओ थोड़ा, दोनों का सेम बाइफरकेशन होना चाहिए, ये लो, ठीक है। चलो, सो नाउ आ जाओ, सो इधर दिखा देना, ये 31st March, अरे मार्च क्या, दिसंबर है ना, मार्च ही याद आ रहा है, 31st December 2017, दिस इज फॉर 31st December 2017 एंड दिस इज फॉर 31st December 2018, राइट, फर्स्ट वन इज 31st December 2017 एंड सेकेंड वन इज 31st December 2018, got it, क्लियर? Now, next one, अब इसमें वही पंडा, टोटल कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट, सेम हियर ऑल्सो, टोटल कॉस्ट units and cost per unit, got it? चलो, so now ये हो गया step, step second one is what, element of cost,
First one step, second one is what? Element of cost. Then 31st December 17, 31st December 18. So इसमें भी जो bifurcation है, first one is what? Total cost. Then आपका units. And here cost per unit. That is CPU. Right? Total cost, units, CPU. Here also, total cost, units, and CPU. Right? Total cost, units, and what beta? CPU. Got it? Chalo. So, format done. Chalo, now one by one. Aja. सबसे फर्स्ट आपका क्या आएगा बेटा? द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यस, डायरेक्ट मटेरियल, सिंपल, राइट है? स्टेप डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल में भी आपका देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो डायरेक्ट मटेरियल में सी एवरीवन. सो इन दिस डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है. तो पहले रॉ मटेरियल परचेज लिखो 240, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी डिडक्टेड. याद है ना? डिडक्टेड, क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड, ओपनिंग स्टॉक एडेड. सो ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर, ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज देयर. सो वाइट डाउन. So, क्या बेटा? रॉ मटेरियल परचेज है आपका, रॉ मटेरियल परचेज कितना है? 240,000 एंड देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. Now, closing stock of raw material is how much? Yes, 15,000. Barabar. So, closing stock of raw material is 15,000. So, answer will be here. Total cost, that is 2,25,000. 2,25,000. That's it. Right? So 2,25,000. अभी यूनिट्स निकालो. यूनिट्स, यूनिट्स कितना है जरा देख लो 2017 का. सी एवरीवन, अभी देखो बच्चा, यूनिट्स आपको सेल का यूनिट दिया है, बराबर है, राइट है? अब आपको पता है यूनिट प्रोड्यूस, सबसे स्टार्टिंग में तो यूनिट प्रोड्यूस ही आएगा आपको. जब बेटा इधर से स्टार्ट करते हो तो यहां से तो यूनिट प्रोड्यूस ही आएगा, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस आएगा. बट यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस तो दिया ही नहीं है, बराबर है? यूनिट सोल्ड दिया है. यूनिट सोल्ड इज गिवन, दैट इज 7500. हियर यूनिट सोल्ड इज गिवन, दैट इज 7500, बट यूनिट प्रोड्यूस्ड इज नॉट गिवन. नो, नॉट गिवन. सो व्हाट टू डू नाउ? बराबर है, यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया है तो सिंपल ना यार, यूनिट प्रोड्यूस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे तुम लोग, बराबर है? तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर यूनिट प्रोड्यूस What formula you were using earlier also? Unit produce निकालना है तो क्या करते थे बच्चा? Yes, unit produce के लिए क्या करते थे आप? आप पहले check करते थे closing stock of FG कितना है, बराबर है? Closing stock of finished goods कितना है, बराबर? Closing stock of finished goods किधर दिख रहा है क्या आपको? Is it visible? मेरे को तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को किधर दिख रहा तो बताओ. नहीं है, अरे नहीं है इसीलिए तो नहीं दिख रहा है बच्चों, ठीक है? निल. फिर उसमें प्लस क्या करने का? यूनिट सोल्ड. यूनिट सोल्ड आपको पता है 7500, तो 7500 ही है ना. 7500 प्लस निल करेगा तो 7500. अब इसमें से माइनस क्या करने का? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. बेटा ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी किधर दिख रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल टू, इज इट विजिबल? किधर भी नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा मेरे को भी. तो नहीं है, अरे नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा यार, ठीक है? तो
7500 ही आंसर आएगा, राइट है? मतलब जो यूनिट सोल्ड है वही यूनिट प्रोड्यूस है, दैट्स इट, 7500 ओनली, बराबर है? मालूम पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड, तो टोटल 7500, उसमें से लास्ट ईयर का कितना था वो माइनस करने का, तो बचा जो आएगा, दैट इज व्हाट यूनिट प्रोड्यूस, बराबर? बट ना तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ना ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, बराबर है? मालूम पड़ा? तो भाई आपका यूनिट प्रोड्यूस तो सेम ही होने वाला है बच्चा, है कि नहीं? बस डन, बराबर? तो 7500, ओके, हो गया, वही सेम, मतलब यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड विल बी द सेम। तो आपका पता चल गया, यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड बोथ विल बी द सेम 7500। तो आ जाओ, तो 7500 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, डिवाइड कर लो तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा, पर यूनिट कितना आएगा, कैलसी लो सब लोग, 225,000 डिवाइड बाय 7500, यस, 30, वेरी गुड वेरी गुड, सो 30 विल बी द सीपीयू, ओके। चलो एस्टिमेटेड का भी साइड बाय साइड कर लेते, एस्टिमेटेड के लिए क्या बोल रहा है आपने को, मतलब 2018 के लिए, यस वेरी गुड एवरीवन, सो फॉर 2018 कैसे निकालना है आपको, ये देखो, सबसे पहली बात तो 2018 में आपका यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%, तो 7500 यूनिट्स था, 20% से राइज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आ जाओ कर लो, यूनिट्स पे पहले इंक्रीज कर लो, देखो कैलसी लेना, सिंपल सा फंडा है, 7500 टाइप करो कैलसी में, बराबर है? कितना बड़ा, 7500 का 20% प्लस, प्लस करना, प्लस डायरेक्ट 7500 प्लस 20%, तो डायरेक्ट आ जाएगा 9000। अरे ये तो ब्लर दिख रहा है भाई, अच्छा ब्लर है इसलिए दिख रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वेलकम 9000, सिंपल, बराबर है? एक ब्लर हटाता हूं ना, देखो 9000 दिख रहा है ना, क्या करने का, 7500 प्लस 20% डायरेक्टली, 7500 प्लस 20%, ठीक है, तो 9000, सिंपल बड़ी सिंपल, ठीक है, सो 9000 विल बी द यूनिट प्रोड्यूस, इधर आ जाएगा, और यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड विल बी द सेम, सेम ही रहेगा, यस और नो, यस। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का, एस्टिमेटेड का डायरेक्ट मटेरियल क्या बोल रहा है वो देखते हैं, चलो, सो फॉर एस्टिमेटेड ईयर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाय 10%। अभी रॉ मटेरियल का प्राइस है ना बेटा, वो 10% से इंक्रीज हो गया, तो पता है ना रॉ मटेरियल पर यूनिट, तो देखो बच्चों, तो कितना था पर यूनिट, 30, 10% से राइज करो, 30 प्लस 10% का बटन दबा दो तो आपको मिल जाएगा 33। और आप ऐसे भी देख सकते हो ना, 30 रुपीज है, 30 का 10% कितना होता है, 3 रुपीज, तो 30 प्लस 3 33, खत्म, राइट? चलो, सो 9000 × 33 कर लो, अभी कितना आ गया, 9000 × 33 किया तो टोटल कॉस्ट में, यस, शाबाश, वेल डन इशिका, वेल डन मोमिता, परफेक्ट, 2,97,000, बराबर, वेरी गुड। चलो डीएम हो गया अपना, डायरेक्ट मटेरियल डन, वेल डन कृष्णा। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो डीएम के बाद अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस, व्हाट, डायरेक्ट वेजेस, चलो डायरेक्ट वेजेस। अब बच्चों डायरेक्ट वेजेस में जब आप आओगे, डायरेक्ट वेजेस में तो करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल फंडा है, डायरेक्ट वेजेस है ना बेटा, तो डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या करोगे आप, आपको पहले ये देखो 31 मार्च 17 का डायरेक्ट वेजेस कितना है, यू कैन सी हियर 90,000, ठीक है, तो फर्स्ट टेक इट डाउन, 90,000,
और यूनिट्स है 7500, डिवाइड कर लो तो पर यूनिट मिल जाएगा कितना आएगा? अच्छा 12 रुपीज, वेरी गुड, सो 12 रुपीज। ओके नाउ आ जाओ इधर, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज गिवन फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो आ जाओ नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बोलता है बच्चा, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगा 25% से, सो पर यूनिट दिख रहा है ये है 12 रुपीज। अब इसको 25% से इंक्रीज कर दो, सो 12 प्लस 25% करो, कैंसिल हो 12 प्लस, ठीक है 12 प्लस 25%, तो डायरेक्टली आ गया 15 रुपीज। यस परफेक्ट परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, सो 15 रुपीज आ गया बेटा आपका। यूनिट्स तो पता ही आपको 9000, अब अमाउंट निकालना है तो 9000 इंटू 15 कर लो, कितना आ गया 135। ओके बडीज 135,000, क्या बात, वेल डन एवरीवन। चलो नाउ नेक्स्ट, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका, वेल डन, परफेक्ट बराबर है। चलो फिर डायरेक्ट वेजेस भी हो गया, अभी आ जाओ नेक्स्ट अपना डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या बोल रहा है अपने को, पहले तो 31 मार्च 17 डायरेक्ट एक्सपेंस सी हियर एवरीवन, डायरेक्ट एक्सपेंस इज व्हाट 75,000, सो राइट डाउन हियर 75,000 डायरेक्ट एक्सपेंस 75,000, and units you all know that is 7500, unit produced and unit sold is same 7500, so divide it, 75,000 divided by 7500, what will be the answer, tell me, theek hai 75,000 divided by 7500, so it will come 10 rupees, perfect, yes, now after that what will come after that, buddies? Now, see, for this, you have to see the adjustment. Yes, very good, Kirti, very good, Kirti, very good, Sakshi, perfect. Now, see, adjustment for direct expense. You all can see here for estimated 2018, it is estimated that for direct expense, per unit will remain the same. Oh my gosh, per unit will remain the same. Means, आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना 10 रुपीज, वो सेम ही रहेगा यार, दैट विल बी सेम एज 10 रुपीज, तो वो 10 रुपीज ही रहेगा, दैट्स इट। और यूनिट्स आपको पता ही है 9000 है, सो 9000 इंटू 10 कितना हो गया 90,000, परफेक्ट, प्रीटी परफेक्ट, राइट है, यस वेरी नाइस एवरीवन। चलो so direct material, direct wages, direct expense, all has been done. Now get the prime cost, dear students, get the prime cost now, and it's very simple, you have to add it, so you will get the prime cost. So this step is what your prime cost, prime cost. So 2,25,000 plus 90 plus 75. What will be the answer? 3,90,000. Perfect. 3,90,000. Yes. Very good, Sakshi. Well done. Well done, Momita. Well done. Perfect. Well done, Ishika. So now 7,500. What unit? Unit is 7,500. Yes. Well done, Krishna. Perfect, Ishika. Perfect. So divide it. You will get the per unit prime cost. That is 52. Yes. Kya baat hai? Very nice. Chalo, idhar ka bhi nikal lo. Estimated ka. So, estimated ka total prime cost is what? 5,22,000. Very good. And units produced 9,000 divided. So, we'll get the answer 58. Kya baat? Very good. 58. Well done, Sakshi. Well done. Well done, Ishika. Perfect. Perfect answer. Perfect answer, Bharis. Very good. Chalo.
Now, अब बेटा प्राइम कॉस्ट भी हो गया, अपना प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो डन. अब क्या करना है, व्हाट टू डू. चलो प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आ जाओ, स्टेप ई. अब ई में आपका है वर्क ओवरहेड्स. नॉर्मल सी बात है, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्क ओवरहेड्स. बराबर है, फैक्ट्री ओवरहेड विच इज ऑल्सो नोन एज वर्क ओवरहेड्स. तो वर्क ओवरहेड में क्या है, ठीक है, आपको पता है, यूनिट्स आपका पता ही है. तो पहले 17 का देख लेते हैं हम लोग, वर्क ओवरहेड्स में क्या है 17 में. और वर्क ओवरहेड्स, सी एवरीवन, सो ये देखो, वर्क ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो वर्क ओवरहेड्स में ये देखो, इधर है फैक्ट्री एक्सपेंस 1,20,000 डायरेक्ट दिया है, तो आ जाओ. सो 1,20,000 एंड यूनिट प्रोड्यूस एज यू ऑल नो 7,500 सेम है, और यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड सब सेम ही है इधर, है कि नहीं. बिकॉज देर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सो द ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जब हाई नहीं, सो यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड विल बी द सेम ना बच्चा. यस, सो आ जाओ, डिवाइड इट, 1,20,000 डिवाइड बाय 7,500, व्हाट विल बी द सीपीयू. परफेक्ट परफेक्ट, 16. क्या बात क्या बात क्या बात. नेक्स्ट, अभी एस्टिमेटेड के लिए, एस्टिमेटेड के लिए. यस, वेरी गुड एवरीवन. नाउ फॉर एस्टिमेटेड, चलो बच्चा एस्टिमेटेड के लिए फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. यू कैन सी हियर एडजस्टमेंट नंबर 5th. फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%. फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%. तो बच्चा फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट इंक्रीज होगा बाय 25% से, याद रखो. तो ठीक है, आ जाओ पर यूनिट. यू कैन सी हियर पर यूनिट इज व्हाट, 16. अब 16 कैंसिल हो, 16 प्लस 25%, 25% कितना आ रहा है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको. 16 प्लस 25% कैलसी में करोगे तो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली विच इज 20 रुपीज. यस, वेरी गुड. तो आपका डबल काम बचता क्या है, आप पहले 16 का आप 20% निकालेगा, मतलब 16 कितना परसेंट था, 25% था ना, बराबर है. नहीं तो क्या करना पड़ता आपको, 16 का पहले 25% निकालो, तो 16 का 25% आएगा 4, फिर प्लस करो. तो इतना क्यों करने का भाई, कैलसी है ना, फटाफट करो. 16 प्लस 25% यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर, दैट इज 20. हैव इट, ओके. यस, नाउ यूनिट इज व्हाट, यूनिट तो पता ही है 9000 है. सो 9000 इनटू 20 इज व्हाट, यस ड्यूड, 1,80,000. परफेक्ट आंसर, यस, बराबर है बराबर है. यस, वेरी गुड वेरी गुड इशिका. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके. 1-0 काम है, बस बढ़ा लेना उसको, ठीक है. चलो, वर्क ओवरहेड्स डन. नाउ अभी वर्क ओवरहेड्स भी हो गया अपना, उसके बाद क्या आएगा बेटा, वर्क ओवरहेड्स के बाद यस वी विल गेट वर्क कॉस्ट. बराबर, अब वर्क ओवरहेड में हो गया ना, बाकी तो कुछ है नहीं, स्क्रैप सेल है नहीं, WIP है नहीं, तो डायरेक्टली चलो फाइंड आउट वर्क कॉस्ट. चलो बच्चों, अब हम निकालेंगे व्हाट वर्क कॉस्ट, हाउ टू गेट द वर्क कॉस्ट, यू ऑल नो वेरी वेल. सो हाउ टू गेट द वर्क कॉस्ट, इट्स सिंपल, वर्क्स कॉस्ट. अच्छा, लेक्चर खत्म होने वाला है, सो नेक्स्ट में सब लोग रिज्वाइन करना, ठीक है. वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, नो नीड टू वरी अबाउट दैट.